कि बाद यह अशरफुल अंबिया उनकी आल को जबा किया गया दरबदर फिराया गया असीर किया गया ये हमें इंफॉर्म करना है हर मुसलमान और गैर मुसलमान को बताना है और यही हदफ आजादारी का और फायदा इससे क्या होगा फायदा इससे यह होगा कि पता चलेगा कि अशरफुल अंबिया के बाद क्या हुआ और अशरफुल अंबिया के बाद जालिम कौन थे मजलूम कौन थे कातिल कौन थे मकतूल कौन थे और कौन हक रखते थे और कौन न हक थे कौन वारिससे रसूल अल्लाह थे और कौन वारिससे जहल अबू जहल थे जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी उस वक्त तक इस्लाम कभी क्लियर नहीं हो सकता जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि हम अशरफुलंबिया की आल को मानते हैं और यह आजादारी अंबिया की आल के जिक्र को बाकी रखने के लिए है और इतफाक से हमें अपने बरादरा ने अहले सुन्नत को बहुत साफ बताना चाहिए वो हमारे दुश्मन नहीं है पब्लिक मुल्ला अलग मौजू है ये मैं हमेशा कहता हूं और साथ में हमेशा मिसाल देता हूं कि फर्ज करें कोई अब्राहमिक रिलीजन का कोई प्रीस्ट हो या रबाए हो जिसके पास किताबें हों दलाइल हों अम्बिया की नबूबत के बारे में वो प्रीस्ट और रहबाय और ये बाज ईसाई या यहूदी बच्चे बराबर हैं बहुत सारे लोगों कुछ भी नहीं पता इनका बेचारूंगा क्या है। लेकिन अल्लाह की निगाह में क्या दोनों बराबर हैं रोज़ा क़यामत दोनों से एक सवाल होगा कि तुमने अशरफुलंबिया को क्यों नहीं माना मेरे नबी को क्यों नहीं माना यानी इस बच्चे से बच्चे से मुराद कोई चौबीस पच्चीस साल का भी हो किया, और वो लोग के जिनको इल्म है कि कुछ लोगों ने जनाब सैदा का घिराव किया और अपनी किताबों से आशना है और बाज वो लोग बाहिर शिया नहीं है लेकिन जनाब सैदा से मोहब्बत करते हैं और उनके वहमो गुमान में भी यह चीज नहीं आती कि कोई जनाब सैयदा के घर का घेराव कर सकता है क्या ये तीनों बराबर हैं क्या ये तीनों बराबर हैं ना लिहाजा बहुत बड़ी तादाद ऐसी है हैस्वत आलम इस्लाम में कि जिनको ना अहलैत के फजाइल का इलम है ना अहलैत के मसाहिब का इलम है और आज़ादारी जो है वो इसी काम के लिए है कि अहले बैत के फजाइल भी उनको बताए जाएं और मसाइब भी बताए जाएं।